मुझे अभी निकलना है, गाड़ी जा भी पार्क डाल ले आओ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बबुआ आप तनिक काम रहा, माफ करना। इट्स ओके बुआ जी, बोलिए। अब उठाना है तनिक। जियत रहो बबुआ, लो। इतना सब काफी रहेगा? कहीं उन लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमने उनकी हैसियत से कम किया? घबराओ नहीं नंदनी, ये सब का कम है, सब बढ़िया होगा। चल। अरे भाई क्या हो रहा है आप लोग? ओहो तो ये हैं आपके गिफ्ट। आपको कोई दिक्कत? एक तो छोटे से कमरे में संगीत और ऊपर से ये भेंट देंगे आप हमारे भांजे को? भाई तकलीफ वाली बात तो है ही ना। अरे भाई आपसे जब हो नहीं सकता था तो हमें बता देते, पूरी शादी का खर्चा आराम से उठा लेते हम। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। अब ऐसा ना कहें तो और क्या कहें? अब शादी तय कर चुके हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। चलिए ना, खाना खा लीजिए आप, चलिए। ओहो खाना भी है? हमें तो लगा सिर्फ तेल के ग्लास में जूस से ही हो जाएगा। नहीं नहीं समधन जी, खाना है अब, बहुत बढ़िया है। अरे चल के चखिए तो सही ना। उंगलिया चाटी तो हमारा नाम मधुमती नहीं। अरे चलो नंदनी। हामन तुम कह रहे थे कि हमारे किसी एम्प्लॉय की इस महीने शादी है, मुझे उसका नाम चाहिए। क्या हुआ मामा जी? अब बर्फ भी सोने की दाम की हो गई है क्या, जो हमें ये पिघली हुई आइसक्रीम खानी पड़ रही है? फ्रिज नहीं है क्या घर में? अब शेरवानी इतनी सस्ती दी है तो आइसक्रीम पिघलने का क्या गम। आइसक्रीम पिघल गई? हाँ। मामा जी लंबी सांस अंदर लीजिए और फिर बाहर छोड़िए, फिर नहीं पिघलेगी। हाँ अगर आप शांत नहीं होंगे, इतना गुस्सा करेंगे तो आइसक्रीम पिघलेगी ना। आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए और आराम से आइसक्रीम खाइए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। खुशी चुप रहो। आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए और आराम से आइसक्रीम खाइए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। खुशी चुप रहो। चलो दूसरी आइसक्रीम लेकर आओ। मैं अर्णव हूँ, खुशी का हस्बैंड। ओहो देर से ही सही, चलिए आप आ तो गए। और हाँ बड़ों से कैसे बात की जाती है ये आप अपनी पत्नी को सिखाइए। कोशिश करूँगा। हाँ मन, मेक श्योर अभी हो, राइट नाउ।
ये बाय। ओके आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था मेरे सामने मत आना। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं और वो भी यहाँ। लेकिन आपने क्या? लेकिन ऐसे अचानक हमारी बात को डालिए मत। खुशी यहाँ से जाओ। नाउ मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमें भी आपके सामने आने का कोई शौक नहीं है। यकीन नहीं होता कि आप उनका साथ दे रहे। हर बात पे बिना मतलब का ताना दे रहे हमें। अरे इतनी गर्मी है तो आइसक्रीम पिघलेगी ना। I said just leave. वैसे हमें आपके ऐसे करने पे हैरानी क्यों हो रही है? आप भी उन लड़की वालों की तरह हैं। हम खुद बात कर लेंगे। क्या? लेकिन मेरी प्रमोशन? पर ऐसे अचानक? सर, पर सर आप यहाँ? क्या हुआ? प्रमोट नहीं हुआ? हाँ सर, मेरी तो जॉब भी चली गई। उन्होंने कहा कि उनके बॉस ने मैंने कहा कि तुम प्रमोशन के लायक नहीं हो। क्यों सर? क्योंकि मेरे स्टाफ में जो क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें से एक काम करने की चाहत, दूसरी काम करने की काबिलियत और तीसरी अपनी बात बिना डरे कॉन्फिडेंस से कहने की हिम्मत। तुम में तीनों नहीं। जब तक तुम अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना, उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट करना नहीं सीख जाते, मेरी कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।